तो धन्यवाद देने किसी बैरोड के गांव में नहीं आए कि भाई मुझे सांसद बनाया धन्यवाद, यहाँ तो नहीं आए। और सीधा मेरा मटा मठ से चला जन्मदिन मनावा केक काग लेके के और गुलदस्ता लाल गुलाब का इतना मेरे इतना बड़ा चोरा और लेके जा रहे उसको गुलदस्ता देर फोटो खिंचा रहे। और फिर जसवंत का लड़का लाडू राम पेज पे डाल रहा है जो फोटो अभी भी होगी या डिलीट कर दियो पता नहीं कि महाराज ने दिया महारानी को लाल गुलाब का मर मेरा धनी महारानी भी बना दी वाला। अरे महारानी तो तेरी रे बाद यार संत महात्मा ने। अरे वो संत महात्मा से कहा महाराज याद तो लाडू राम है पर तू भी क्यों नाच को नंदेव बन रो है कि साथ में फोटो साधु सन्यासी भभूत दिया कर। माता जी बताओ भभूत देते हैं जो भी साधु होगा वो भभूत देता है। ले जा बेटा भभूत ले जा थूड़ा की भभूत दे तू पहलो ही महाराज लागो जो लाल गुलाब दे करके आ रहे और वो भी इतना बड़ा। आप कल्पना करना कि क्या फीलिंग रही होंगी जवान आदमी समझ जाएंगे कि कोई अरबपति बाप का बिगड़ेल बेटा हो ना वो अभी अपनी महबूबा ने इतना बड़ा गुलदस्ता कर देना जितना बालक नाथ ले चल। और फिर जसवंत कह रहा है मेरे से लाठी से लड़ ले एमएलए। मैं बोले 10 बजे का टाइम रख और आज फिर कह रहा हूं चल काल का रख ले 10 बजे ग्राउंड में आ जा 2 मिनट में तुझे बेहोश नहीं कर दिया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तू लड़ ले तेरा लाडू राम ने लड़ा ले। और भाई अब बालकनाथ यूं कहा करे कि मैं योगी हूं और योगी तो क्या ब्रह्मचारी होते ना ब्रह्मचारी और मेरे तो बेटा है आपका बीच में कह रहा हूं इस ग्राउंड में दौड़ लगाएंगे इस ग्राउंड सुबह दिन उगने से स्टार्ट होंगे। अगर यह बालकनाथ ज्यादा दौड़ सकता है बलजीत यादव पता लग जाएगा कौन फर्जी होगी दौड़ लगाने मेरे साथ। और मैं आपके बीच में कह रहा हूं आपके बीच में वचन दे रहा हूं अगर यह सुबह से दिन छिपने तक दौड़े तो आपकी बात खराब नहीं होने दूंगा मैं दौड़ूंगा। या 2 दिन दौड़े तो 2 दिन दौड़ूंगा ले चक्कर खिला के पटेल दूंगा पर यह दौड़ेगा आधा घंटा नहीं या दौड़ आपको मिले तो उसको कहना तू ब्रह्मचारी बताता है योगी बताता है बलजीत यादव बैरोड़ का एमएलए तुझे चैलेंज देके कहता है कि बैरोड़ के ग्राउंड में सब जनता देखेगी डेढ़ पाठ करने वाला भी नौकर रख रखा है उसने पूछा भी नहीं करे अरे खा खा के उनका काल पाट मानो है रहा। खा खा राशन खाया जाओ कदे लाड्डू खावे से कदे पेड़ा खावे मेरा मटो खा खा के और नाच इतना चेपा जाओ। मैंने कहा महाराज जी सन्यासी वो बनता है जिसका जीवन जनता के लिए होता है। तू तो भगवा वस्त्र में फर्जी साधु है और हम जीन शर्ट पहन के भी चरित्र से साधु हैं सन्यासी हैं बाहर से हम स्वार्थ में नहीं जीते हम परमार्थ के लिए जीते हैं। अब आकर के बेचारा SHO ईमानदारी से अपना काम कर रहा आकर के कह रहे SHO के गले पड़ रहे हो मेरी अखबार में खबर छप जाए SHO जबरदस्ती गले पड़ रहा है 5 बजे प्रचार बंद हो जाता है जब जान 5 बजे बात सभा करने आए क्यों भाई आज ही तू 3 की 13 कर देगा क्या इतना दिन में लेकिन आज ही कर देगा और फिर कोई रोके तो जबरदस्ती माथा फोड़ी कर रहा है। इसलिए मेरे से पूछा मुख्यमंत्री जी ने कि बालकनाथ कैतरा बावड़ हो मैं बोलो जी इसने क्या है कि ये तरबूज खाया करता था हनुमानगढ़ में अपने बड़े पोटा ना क्या करते और खतम चांदना जी मरा रहे मिल गई गद्दी क्योंकि बालक ही है दिमाग से नाम का बालक नहीं है दिमाग का बालक है तो बालक की तरह फिर चुको लोकसभा चेयरमैन वालों खिलौने चाहिए तो जनता देगी चेयरमैन थानेदार दे सकते भाई SHO कहां से ला के दे उसको चेयरमैन की बोलो SHO से क्या लड़ाई में लड़ाई इसलू कैसे SHO चेयरमैन ला के दे अब वो कहां से ला के दे भाई बेचारा वो तो जनता देगी। इसलिए फिर आ गया रात को 11 बजे तक चेयरमैन का वो भरवाऊंगा फोरम चुनाव लड़ाऊंगा तो बच्चे की तरह ब्रिज का प्रस्तावक नहीं अगले के पास बल्कि कैसे बनाऊंगा फिर वाइस चेयरमैन ब्रिज का कैसे मैं वाइस चेयरमैन बनाऊंगा। तो इसलिए अब मेरे ख्याल से बालक भी है लेकिन धीरे धीरे समझ में आ जाएगा उसके अकि ये जनता जनार्दन है ये मालिक है आपको बनाया था बहुत अपेक्षाओं से आप साधु संतो आप काम करोगे जनता के लिए आप जनता के ऊपर न्योछावर करोगे लेकिन न्योछावर लॉकडाउन हो गया एक पूरी नहीं खिलाई एक पूरी नो कहे मैं मटका मठाती हूं अरे ऐसा तो भिखारी का काम। बैरोड विधायक बलजीत यादव
शुरू से जानते हैं सब कि तू एक उठाई गिरा, जेब कतरा और मिनी बस का कंडक्टर जिसको एक सत्ता मिल गई है और एक निम्न स्तर का आदमी है तू। आज पहली बार मुझे ये भी पता लग गया कि तू एक नीच किस्म का इंसान है और इस धरती के ऊपर सिर्फ पाप करने के लिए तू पैदा हुआ है। जो बहन बेटियों की इज्जत नहीं करना जानता, जो गरीबों का राशन खा जाए, एक गरीब इंसान मेहनत मजदूरी जो करता है, जो पूरे दिन के अंदर सिर्फ इस बात के लिए काम करता है किसी तरह मैं दो वक्त की रोटी अपने परिवार को दे सकूं, तू उन लोगों का राशन खा गया। उन लोगों से तू हफ्ता वसूली करता है, एक मोची से भी तू हफ्ता वसूली करता है, ये तो तेरी औकात है। तू बात करता है बड़ी बड़ी, तेरे को मैं ये बता दूं कि चाहे कितना भी कोई गिरा हुआ इंसान हो, वो भी एक बारी किसी दूसरे से जब लड़ाई करता है या किसी दूसरे को कुछ कहता है तो उसके परिवार को उसमें शामिल नहीं करता। लेकिन तूने अपनी गंदी हरकतें, क्योंकि तेरी सोच वैसी है, आज तूने मेरे परिवार को राजनीति के अंदर खींचने की कोशिश की है। तेरी भी घर में बहन बेटियां हैं, तेरी माँ है, तेरी बहन है, तेरी बीवी है, मैं भी चाहूं तो उनके खिलाफ अपशब्द इस्तेमाल कर सकता हूं। मैं भी कह सकता हूं कि तू अपना डीएनए टेस्ट करा पहले, तो तेरे बच्चों का डीएनए टेस्ट करा। बीवी के बारे में मैं भी कह सकता हूं, जो वो होटल चलाती है, जो गैर धंधे होते हैं वहां पे, उनके बारे में मैं भी सब कुछ कह सकता हूं, बता सकता हूं। लेकिन नहीं, मेरे अंदर एक मर्यादा है, मैं राजनीति करता हूं, राजनीति के अंदर राजनीति प्रतिद्वंदी के साथ डायरेक्ट लड़ना जानता हूं। तेरी तरह नहीं है कि इधर से उधर से, हिम्मत है तो राजनीति में डायरेक्ट लड़, हिम्मत है तो लोगों के सामने अपने काम की चर्चा कर, हिम्मत है तो बहरोड के अंदर बहरोड को आगे बढ़ाने की चर्चा कर। उल्टी सीधी बातें करके और जो तू निम्न स्तर की राजनीति करता है उसके ऊपर मैं गिरना नहीं चाहता। लेकिन इस बात को तू समझ ले, अच्छी तरह समझ ले कि अगर तू निम्न स्तर की राजनीति करेगा, गालियां देगा, तो फिर मेरे को भी वो गालियां देनी आती है, हजार गुना गालियां देनी आती है। तेरे जैसे खूब अलजीत पलजीत बलजीत जैसे लोग आए और चले गए, जितनी तेरी उम्र है उससे लंबे समय से डॉक्टर जसवंत सिंह यादव राजनीति कर रहे हैं। तेरी औकात क्या है? कोई औकात नहीं है। उठाई गिरा है, उठाई गिरा रहेगा, बदबूदार गड्ढा है, बदबूदार गड्ढा रहेगा। तू जिस पद पे आज पहुंचा है उस पद पे 35 साल पहले डॉक्टर जसवंत पहुंच चुका था। तेरी राजनीति खत्म, दी एंड। आज सिर्फ और सिर्फ तेरे को ये बात बोलने आया हूं कि परिवार को घसीटना राजनीति में बंद कर। हिम्मत है डायरेक्ट लड़, हिम्मत है राजनीति कर, और तेरे पिछवाड़े में जितना दम हो उतनी तू दम लगा ले। और तूने बोला है ना कि तेरे बीच में आ जाएं, तेरे से लड़ाई करें, तो मैं तेरे को बता देता हूं, खुली चेतावनी देता हूं तेरे को, दिन बता दे, समय बता दे, वहीं पहुंचूंगा। और जो हथियार इस्तेमाल करना है तूने, चाहे तूने लठ इस्तेमाल करना है, चाहे तूने युद्ध करना है, चाहे तूने चिरूनी इस्तेमाल करनी है, जो हथियार इस्तेमाल करना है वो बता दियो, उसके अंदर तेरे को लड़के तेरे को समझाऊंगा कि साले जिसको तू चुनौती दे रहा है वो तेरे से 10 गुना ज्यादा है, तेरे से कम नहीं है। ये बात ठान ले और अपना ये धंधा बंद कर। चोरी चकारी लूटपाट जो तू करता रहता है, कमीशन खोरी जो करता रहता है, बंद कर। डेवलपमेंट पे ध्यान दे, बहरोड को आगे बढ़ाने पे ध्यान दे। पढ़े लिखे लोग रहते हैं यहाँ पे, समझ रखते हैं, तेरी तरह नहीं है उठाई गिरे, हर किसी को उठाई गिरा समझ लिया तूने, तो शर्म आती है, तेरे से बात करते हुए भी शर्म आती है। हट।